अगर आप अभी भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से अगर रिचार्ज करते हैं दोस्तों, तो अभी उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दोस्तों आप लोगों का जो पैसा है वो बचाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 5 से 6 रुपये आप लोगों का हर रिचार्ज में बचाने वाला है। अगर आप लोग 299 के रिचार्ज करते हैं तो आप लोगों का 6 रुपये बचने वाला है। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं ट्रू बैलेंस। ट्रू बैलेंस टाइप करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रू बैलेंस का यहाँ पे दिख रहा है और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इंस्टॉल कर लिया हूँ तो इसको ओपन कर ले रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे कस्टमर कंसेंट है, यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू कर देते हैं दोस्तों। आगे जाने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका मेन इंटरफेस है दोस्तों इस एप्लीकेशन का, और यहाँ पे कुछ सर्विसेज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे मेनू पे अगर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पूरा सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे 3 पॉइंट का ऑप्शन दिखता है। देखिए दोस्तों, ये 3 पॉइंट जब भी आप रिचार्ज करते हैं तो आप लोगों को 3 पॉइंट के रूप में जो पैसा है वो बचता है, जो कि अगले रिचार्ज पर आप उसका यूज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का, मैं इसको अपडेट किया था तो मेरे को KYC करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका जो KYC है उसको कर लेते हैं। अगर रिचार्ज वगैरह करेंगे तो जब तक इसको KYC नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, आधार KYC है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ही है क्योंकि मैं पूरा KYC कर लिया हूँ। अपडेट होने के बाद इसको दोबारा करवा रहा है इसलिए इसका दोबारा हो रहा है। आप लोग जैसे अगर न्यू आइएगा तो आपको पूरा फुल KYC करना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं एक रिचार्ज करता हूँ दोस्तों, 209 रुपये का मैं रिचार्ज करता हूँ। एक तो मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे अपना सर्कल जो है चूज़ करते हैं कौन सा सर्कल है, और इसके बाद अपना जो अमाउंट है उसको डालते हैं। देखिए दोस्तों, 209 रुपये 22 डे दिखा रहा है, और अब इसको प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। देखिए प्रोसीड पर फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ भीम UPI पेमेंट मेथड, भीम UPI 2% ऊपर 3 पॉइंट का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों वो कम है इसीलिए वो सेलेक्ट नहीं होगा। इसके बाद आगे पे पर क्लिक करते हैं तो देखिए, तो दोस्तों कुछ देर के बाद इसका जो पूरा पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गूगल पे से पे हो रहा है जिसके वजह से नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं ये पूरा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है, तो पेमेंट सक्सेस हो चुका है। इसका जो आप कैशबैक देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों इसका कैशबैक, और यहाँ देखिए अपना 3 पॉइंट में 4 रुपये 47 पैसे। देखिए दोस्तों, 4 रुपये 18 पैसे मेरे को 200 के रिचार्ज पर मिला है, 209 रुपये के रिचार्ज पर। अगर आप लोग 300 रुपये का रिचार्ज करते हैं, 299 के रिचार्ज करते हैं, तो आप लोगों को करीबन 6 रुपये के आसपास आप लोगों को पैसा देखने को मिल जाता है इसका जो 3 पॉइंट है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप रिचार्ज करके अपना जो पैसा है उसको बचा सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद में सागर भरता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पैसा करके ही बचत होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।